अटल जी का बयान आया कि बच्चों के भविष्य के साथ मैं उनका भविष्य नहीं बर्बाद होने दूंगा। अरे जब बीजेपी चाहे राज्य सरकार में रहे या केंद्र सरकार में रहे, पेपर लीक होना ही है, वो तय है। और जिन लोगों ने भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, लगभग 50 लाख जो बच्चे हैं, उन लोगों के भविष्य के साथ इन लोगों ने खिलवाड़ किया है। और लगातार जो है, हम लोग तो मांग करते रहे कि रद्द कर दिया जाए इस चीज़ों को, क्योंकि साफ तौर पे जो है, जहाँ भी बीजेपी शासित राज्य हैं, चाहे बिहार हो, गुजरात हो या हरियाणा हो, इन तीनों जगह जो है पेपर लीक हुआ है। तो हम लोग ही नहीं बल्कि पूरा इंडिया अलायंस जो है इस मुद्दे पर एक साथ है। और हम लोग चाहते हैं कि जो नीट का पेपर जो लीक हुआ है, इसको रद्द किया जाए अविलंब। दिल्ली के सीएम को बेल मिल रही है, कैसे देखते हैं इसके बारे में? नहीं तो कोर्ट का अपना फैसला है और कोर्ट का अपना निर्णय है, तो अपना स्वागत हम लोग करते हैं। सर, आपके सहायक अरे आप देखिए, राज्य में सरकार उनकी है, केंद्र में सरकार उनकी है, जांच एजेंसियां उनकी हैं। हम ही कहते हैं मुख्यमंत्री जी को बुला ले मेरे सहायक को, अरे चाहे पीए हो, पीएस हो, कोई हो, बुला करके पूछताछ कर ले कोई अगर बात है तो। लेकिन जो उप मुख्यमंत्री लोग जो सवाल उठा रहे हैं, ईओयू तो आज तक कहा नहीं है इस बात को लेकर के, इनको तो रिपोर्ट करता है नहीं, ये तो बिना ज्ञान है, इन लोगों को ज्ञान नहीं है। जब मई में जब अरेस्टिंग हुआ था, तब से हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं भाई कि कार्रवाई करनी चाहिए। जिस इंजीनियर की बात करें, 21 में यही लोग अर्बन डेवलपमेंट में लाए थे जल संसाधन से, थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए इन लोगों को। ये लोग जो किंग पिंग जो है पेपर लीक किए, उन लोगों से इशू को डाइवर्ट करना चाहते हैं। जो अमित आनंद है, जो आपका नीतीश कुमार है, ये कौन लोग हैं? इनको क्यों बचाना चाहते हैं? क्यों ये लोग जो है डाइवर्ट कर रहे हैं इशू को? तो इशू को जो है डाइवर्ट करना चाहते हैं, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। जिस इंजीनियर की बात कर रहे हैं, वो बेनिफिशियरी हो सकता है, बेनिफिशियरी हो सकता है, लेकिन पेपर लीक का मास्टरमाइंड तो अमित आनंद है, नीतीश कुमार है। उसमें कार्रवाई करनी चाहिए। जब ये शिक्षा विभाग में जब नौकरियां निकली थी बीपीएससी वाली, तीसरी वाली ना जो रद्द हुआ, उसके जो अपराधी लोग जो हैं, जो पेपर लीक कराए थे, वो तो बार बार घूम करके बिना जेल गए बेल करा लिए। तो हम लोगों को सबका जानकारी है, ऐसा नहीं है कि क्या है नहीं है, ये सबसे कुछ होने वाला नहीं है। देश की जनता जानती है, जब जब बीजेपी सत्ता में आती है, तब तब पेपर लीक होता है। राहुल, कौन बनेगा लोकसभा का? इस बारे में तो हम कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री जब से आए हैं, बिहार में पुल गिर गया, आप देखिएगा ट्रेन हादसा हो गया, जब से आए हैं प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही रहा है। और प्रधानमंत्री जी हर मामले में चुप्पी साधे।